नमस्कार मित्रों, मैं अल्पेश दीक्षित, मैं आपसे आईना इस नाटक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ये नाटक गे, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स, इनकी कहानी है। और ये जो विषय है, सिर्फ यही इस नाटक की खासियत नहीं है। मैं कई सालों से नाटक कर रहा हूं, टेलीविजन शोज, वेब सीरीज, फीचर फिल्म्स, लेकिन ऐसा हार्डली कभी होता है कि कोई स्क्रिप्ट एक्चुअली एक्साइट करे एज एन ऑडियंस। ऐसा पिछली बार कब हुआ था कि कोई नाटक या फिल्म देखने के बाद घंटों तक, दिनों तक, हफ्तों तक उसी नाटक या फिल्म के विचार आपके दिमाग में खेलते रहे, आपको एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस करा के दे। और एक विशेषता इस नाटक की यह है कि इसमें जितने एक्टर्स हैं, ज्यादातर सब डॉक्टर्स हैं। कोई गायनेक है, कोई डेंटिस्ट है, कोई रूमेटोलॉजिस्ट है, कोई फैमिली डॉक्टर है, जीपी। और डॉक्टर जब एक्टर बनता है तो इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। जरूर आइए, आईना देखने आइए ना। मैं डॉक्टर गिरीश दाड़ी, गायनेकोलॉजिस्ट, मैं आज आईना की बात करने को आया। आईना मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, और जहां तक फीडबैक मिली है तो ऑडियंस के बहुत सारे लोगों के लिए एक नाटक नहीं है, अनुभूति है, अनुभव है, जो हमारा दृष्टिकोण, सोचने का तरीका बदल देगा। LGBTQ के लिए जो मेडिकल फील्ड में भी सोच थी जब मैं पास हुआ, वो बहुत अलग थी। बाद में भी कोई कॉन्फ्रेंस में मैंने LGBTQ के ऊपर लेक्चर सुना नहीं है। हमने ये सब्जेक्ट नक्की किया, बाद में मैंने रिसर्च किया, सेक्सोलॉजी से बात की, वो टाइम पे कोर्ट का केसेस भी चल रहे थे, वो सब सुना। उसके बाद कुछ समझ में आया कि क्या है, और इसलिए लगता है कि नहीं, हर कोई ये बात समझे, और जरूर वो लोगों के लिए देखने का तरीका बदल जाएगा। नमस्कार, मैं उमेश जंगम, आईना का दिग्दर्शक। आईना जब हमने करने की सोची, मैं और डॉक्टर साहब, हम सब मिलकर सोचते थे, तो पहले तो सोचा क्या करें, तो अचानक LGBT सब्जेक्ट के ऊपर बात हुई और मुझे मेरा पास्ट याद आया। मैं लालबाग में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो हमारे लिए LGBT के लोग, यानी ये गे, ट्रांसजेंडर, ये सब लोग एक मजाक का विषय होते थे। हरेसमेंट करना, उनको तकलीफ देना, यही सब लोग हम करते थे। इनफैक्ट मैं तो इन लोगों को सीरियसली नहीं लेता था, सोचता था कि ये सब कुछ ऐसा होता ही नहीं है, बॉम कुछ नहीं होता, ये लोग जानबूझकर कपड़े ऐसे पहनते हैं पैसों के लिए या कुछ, तो ऐसे तकलीफ देते थे। तो जैसे जैसे मैं इस सब्जेक्ट को लिखने के लिए सोचने लगे, तो सबसे डिस्कस होने लगे, हम लोग डेप्थ में चले गए, तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ होता है। और आज यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आईना ने मेरे लिए एक मेरा पसंदीदा नाटक, और आईना जैसा नाटक शहर के कोने कोने में होना चाहिए। ये शो आज हम कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ इसका दिल्ली में मंचन हो, कलकत्ता में हो, इसकी किताब बने। सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के या भारत के जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो उसे डायरेक्ट करें, इसके अलग एंगल सोचे और इस सब्जेक्ट को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है उनका प्रॉब्लम। उनके सामने हमने सुप्रीम कोर्ट में जो विजय पाई है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए ही आज की सभा का आयोजन किया गया है। बरस बरस की झलक मन डुबाने वाला, तुमने बाबा भी तो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तो ये समाज क्या स्वीकार करेगा? मानसी का आईना हमेशा खाली रहेगा, बिना आज के, अर्धनारी नटेश्वरे
शिव स्वरूपे नमस्तुत्यम नमस्तुत्यम नमस्तुत्यम। तुम सब इतने सीरियस क्यों हो गए? हमारी सरकार लेकर आ रहे हैं समाज में सुलह का सवाल। आईना, एक मौलिक विषय, एक अद्भुत नाटक। 10 जुलाई एसपी ऑडिटोरियम आपका इंतजार रहेगा।